इसलिए तुम लोग कहने से सुबह से एक लिए रोलिंग है वो ब्लड दिखा ना ये अभी अच्छा ये वाला ले ओ तो एक्शन बड़ा चिल्लाऊं थोड़ा सा इतना नहीं नहीं वो चिल्लाऊं बाल आ गए मुंह उतनी देर में आते हैं वहाँ पहुँचते हैं उसको देखती है उसको उठाती है वहाँ से और जैसे ये साथ में आ रही होती है तो रूपा मना कर देती है बाकी तो तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब तुम बदतमीज लड़की ये वो काफ़ी कुछ बोलती है बुरा भला आध्या को और आध्या बहुत हर्ट हो जाती है बट उसके लिए अभी मेन ये होता है कि उसे लगता है कि ये जितना भी सब कुछ हो रहा है जैकी ये हालत जो कुछ भी हो रहा है वो सब आध्या की वजह से मेरी वजह से हो रहा है तो इसलिए चीज़ है कि मुझे अभी जैके पास होना है और वो किसी भी तरह कोशिश करिए कि वो जैके पास जाए और उसका ध्यान रखे उसकी जो भी हालत है साथ में उसको गिल्टी भी फील हो रहा है कि मैं जय पता नहीं कैसा होगा मैं वहाँ तक पहुँच मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही क्योंकि रूपा ने उसे टोटली मना कर दिया कि तुम मेरे बेटे तुम शक्ल भी नहीं दिखाओगे अपनी तो वो अब ऐसे है कि मैं क्या करूँ मैं कैसे जय के पास जाऊँ कैसे उसका ध्यान रखूँ तो एक गिल्ट भी है बट अभी फिलहाल उसका ये है कि मुझे जय के पास जाना है आध्या ख्यालों में सोच रही है काइंड ऑफ एक ड्रीम सीक्वेंस है ये वाला तो इसमें जय के बारे में सोच रही थी इसके बारे में भी सोच इसके बारे में ये कि सपना देख रहे हैं कि जय ऑब्वियसली क्योंकि डॉक्टर्स ने भी कहा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते तो वो बहुत घबरा गई है कि अगर जय को कुछ हो गया तो मतलब ये सब मेरी वजह से हो रहा है अगर जय को कुछ हो गया तो जय को कुछ होगा तो मेरी वजह से होगा सब मेरी गलती है तो वो उसका एक फियर है एक गिल्ट है तो वो उसे सपने आ रहे हैं थॉट्स आ रहे हैं तो वो वहाँ से सीधा भागती है जय के पास ठीक है अब जय को तो चोट लग गई लेकिन जय अब यहाँ से मतलब क्या आगे क्या स्टेप होगा जय अरे यार जय जिसके हाथ पैर टूटे हैं उसको क्या स्टेप वो तो अभी लेटा ही हुआ है अभी जय को काफ़ी चोट आई है हॉस्पिटल में है और आगे बस ये देखते हैं कि कैसे ये चोट लगने का ये जो क्या फ़ायदा क्या होता है इनके रिलेशनशिप में थैंक यू सो मच